गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीके में प्लेसेस एंड सोब्रिकेट्स लर्न करने वाले हैं। सोब्रिकेट होता क्या है ये आप पहले जान लीजिए। सोब्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं उपनाम। क्या बोलते हैं? उपनाम। ठीक है, ये उपनाम क्या होता है? उपनाम निकनेम होते हैं। जैसे आप लोगों के तो बहुत सारे निकनेम होंगे, है ना, जैसे छोटू, सोना, मोना, लाली, है ना, कितने सारे निकनेम हैं, उपनाम हैं। ऐसे ही जो हमारे प्लेसेस हैं, जयपुर, उदयपुर, केरल, कोलकाता, मुंबई, पंजाब, इन सारी जगहों के भी निकनेम हैं, सोब्रिकेट हैं। तो आज हम उनको जानेंगे और उनको लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए। देखिए, ये जो आपका पहला प्लेस है, क्या है ये? ये है जयपुर। क्या है ये? जयपुर। आप लोग गए हो कभी जयपुर? तो देखो, जयपुर को, जयपुर का जो निकनेम है, उपनाम है, वो क्या है? गुलाबी शहर। जयपुर को क्या बुलाते हैं? गुलाबी शहर। गुलाबी शहर क्यों बुलाते हैं? देखिए, क्योंकि पता है जो पहले जयपुर में क्या होता था, पहले जयपुर में बहुत सारी बिल्डिंग्स गुलाबी थीं, ठीक, तो इसलिए जयपुर को गुलाबी शहर बुलाते हैं। ठीक, अब देखिए उदयपुर, सेकंड आपका प्लेस क्या है? उदयपुर। उदयपुर का निकनेम क्या है? झीलों का शहर। क्या? झीलों का शहर। तो उदयपुर को झीलों का शहर बुलाते हैं, क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। ठीक, तो उदयपुर को क्या बुलाते हैं? उदयपुर को झीलों का शहर बुलाते हैं। तो उदयपुर का सब्रिकेट क्या हुआ? झीलों का शहर। ठीक, अब थर्ड देखिए क्या है। देखिए बच्चों, देखिए आपकी जो थर्ड प्लेस है वो क्या है? बेंगलुरु। ये गलत लिखा हुआ है, सही कैसे लिखेंगे? देखिए, बेंगलुरु, ये आपका सही वाला बेंगलुरु है। तो आप लोग अपनी फाइल में ठीक कर लीजिए। तो बेंगलुरु का निकनेम क्या है? गार्डन सिटी। बेंगलुरु का निकनेम क्या है? गार्डन सिटी। जयपुर गुलाबी शहर, उदयपुर झीलों का शहर, बेंगलुरु गार्डन सिटी। ठीक, तो जयपुर का सोब्रिकेट क्या है? गुलाबी शहर। उदयपुर का सोब्रिकेट क्या है? झीलों का शहर। बेंगलुरु का सोब्रिकेट क्या है? गार्डन सिटी। ठीक, अब देखिए फोर्थ नंबर की जो आपकी प्लेस है वो क्या है? जोधपुर। क्या है? जोधपुर। जोधपुर का निकनेम क्या है? सन सिटी। क्या है? सन सिटी। ठीक, जयपुर गुलाबी शहर, उदयपुर झीलों का शहर, बेंगलुरु गार्डन सिटी, जोधपुर सन सिटी, एंड केरल, केरल का निकनेम क्या है? केरल का निकनेम है मसालों की वाटिका। केरल में बहुत सारे मसालों की वाटिकाएं हैं। ठीक, केरल में बहुत सारे मसाले बनते हैं। ठीक, तो जयपुर गुलाबी शहर, उदयपुर झीलों का शहर, बेंगलुरु गार्डन सिटी, जोधपुर सन सिटी, केरल मसालों की वाटिका। तो अब मैं क्या बोलूँगी? प्लेस। आप लोग क्या बोलोगे मुझे? सोब्रिकेट। जयपुर गुलाबी शहर, उदयपुर झीलों का शहर, बेंगलुरु गार्डन सिटी, जोधपुर सन सिटी, केरल मसालों की वाटिका। तो जयपुर को क्या बुलाते हैं हम? गुलाबी शहर। उदयपुर को क्या बुलाते हैं? झीलों का शहर। बेंगलुरु को क्या बुलाते हैं? गार्डन सिटी। जोधपुर को क्या बुलाते हैं? सन सिटी। केरल को क्या बुलाते हैं? मसालों की वाटिका। तो आपको 1 to 5 लर्न हो गए। अब मैं आगे बढ़ूँ? चलिए, अब मैं आपको 6 to 10 प्लेसेस एंड
सोब्रिकेट लर्न कराऊंगी। ठीक, देखिए सिक्स नंबर का जो आपका प्लेस है वो क्या है, कोलकाता। क्या है? कोलकाता। कोलकाता का सोब्रिकेट क्या है? महलों का शहर। कोलकाता महलों का शहर। फिर देखिए मुंबई। मुंबई का सोब्रिकेट क्या है? भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार। कोलकाता में बहुत सारे महल हैं, इसलिए कोलकाता को महल का शहर बुलाते हैं। कोलकाता को क्या बुलाते हैं? महलों का शहर। ऐसे ही मुंबई में क्या है? भारत का प्रवेश द्वार। कल हमने पढ़ा था ना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे था? मुंबई में। तो मुंबई को क्या बुलाते हैं? भारत का प्रवेश द्वार। ठीक, अब देखिए पंजाब। पंजाब को क्या बुलाते हैं? पांच नदियों की भूमि। पांच नदियों की भूमि। पंजाब में पांच नदियां हैं, इसलिए पंजाब को पांच नदियों की भूमि बुलाते हैं। क्लियर। अब देखिए लखनऊ। लखनऊ को क्या बुलाते हैं? नवाबों का शहर। क्या बुलाते हैं? नवाबों का शहर। लखनऊ में बहुत सारे नवाब लोग रहते हैं, इसलिए लखनऊ को नवाबों का शहर बुलाते हैं। कोलकाता महलों का शहर। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार। पंजाब पांच नदियों की भूमि। लखनऊ नवाबों का शहर। अब देखिए 10 नंबर क्या है? नागपुर। क्या है? नागपुर। नागपुर को क्या बुलाते हैं? संतरों का शहर। नागपुर में बहुत सारे संतरे बनते हैं, मतलब नागपुर में बहुत सारे संतरों के पेड़ हैं, इसलिए नागपुर को संतरों का शहर बुलाते हैं। कोलकाता को क्या बुलाते हैं? महलों का शहर। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार। पंजाब पांच नदियों की भूमि। लखनऊ नवाबों का शहर। नागपुर संतरों का शहर। ठीक, तो कोलकाता का सोब्रिकेट क्या है? महलों का शहर। मुंबई का सोब्रिकेट क्या है? भारत का प्रवेश द्वार। पंजाब का सोब्रिकेट क्या है? पांच नदियों की भूमि। लखनऊ का सोब्रिकेट क्या है? नवाबों का शहर। नागपुर का सोब्रिकेट क्या है? संतरों का शहर। ठीक, अब मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी प्लेस, आप लोग क्या बोलोगे? सोब्रिकेट। ठीक, कोलकाता महलों का शहर, मुंबई भारत का प्रवेश द्वार, पंजाब पांच नदियों की भूमि, लखनऊ नवाबों का शहर, नागपुर संतरों का शहर। तो अब हमने कितने लर्न कर लिए? हमने 1 to 10 लर्न कर लिए। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट प्लेस था वो क्या था? जयपुर। जयपुर को क्या बुलाते हैं? गुलाबी शहर। उदयपुर झीलों का शहर। बेंगलुरु गार्डन सिटी। जोधपुर सन सिटी। केरल मसालों की वाटिका। जयपुर गुलाबी शहर, उदयपुर झीलों का शहर, बेंगलुरु गार्डन सिटी, जोधपुर सन सिटी, केरल मसालों की वाटिका। देखिए सिक्स नंबर, कोलकाता महलों का शहर, मुंबई भारत का प्रवेश द्वार, पंजाब पांच नदियों की भूमि, लखनऊ नवाबों का शहर, नागपुर संतरों का शहर। तो आपको 1 to 10 लर्न हो गए। अब मैं क्या कराऊंगी? अब मैं आपको 11 to 15 लर्न कराऊंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो 11 नंबर का प्लेस है वो क्या है? भागलपुर। क्या बोलेंगे इसको? भागलपुर। भागलपुर को क्या बुलाते हैं? सिल्क का शहर। क्या? सिल्क का शहर। देखिए सिल्क क्या होती है? ये जो रेशम का कपड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं सिल्क। तो भागलपुर में सिल्क का कपड़ा बहुत है, तो इसलिए भागलपुर को क्या बुलाते हैं? सिल्क का शहर। ऐसे ही हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? मोतियाँ ही मोतियाँ हैं। हैदराबाद में बहुत सारे मोतियाँ हैं, तो इसलिए हैदराबाद को मोतियों का शहर बुलाते हैं। ठीक, ऐसे ही जमशेदपुर। क्या? जमशेदपुर। जमशेदपुर को क्या बुलाते हैं? स्टील शहर।
क्या? स्टील शहर। ये जो स्टील होती है ना, जो आप लोगों ने देखे होंगे आपके घर पर स्टील के बर्तन है ना, तो जमशेदपुर में बहुत सारी स्टील के जो चीज़ें होती हैं बहुत सारी हैं, तो इसलिए जमशेदपुर को स्टील का शहर बुलाते हैं। तो भागलपुर सिल्क का शहर, हैदराबाद मोतियों का शहर, जमशेदपुर स्टील का शहर, ऐसे ही मदुरई, क्या? मदुरई। मदुरई को क्या बुलाते हैं? मंदिरों का शहर। जो मदुरई है वहाँ पर बहुत सारे मंदिर ही मंदिर हैं, इसलिए मदुरई को मंदिरों का शहर बुलाते हैं। ठीक, देखिए अब मंसूरी, मंसूरी क्या बुलाते हैं? पहाड़ों की रानी। मंसूरी में बहुत सारे पहाड़ हैं। आप लोग गए हो कभी मंसूरी घूमने के लिए? देखा है कभी पहाड़ है वहाँ पे बहुत सारे? ठीक, जाइएगा आप लोग कभी। ठीक, तो भागलपुर में क्या है? सिल्क का शहर, हैदराबाद मोतियों का शहर, जमशेदपुर स्टील शहर, मदुरई मंदिरों का शहर, मंसूरी पहाड़ों की रानी। तो भागलपुर को क्या बुलाते हैं? सिल्क का शहर, हैदराबाद मोतियों का शहर, जमशेदपुर स्टील शहर, मदुरई मंदिरों का शहर, मंसूरी पहाड़ों की रानी। भागलपुर को क्या बुलाते हैं? सिल्क का शहर, हैदराबाद मोतियों का शहर, जमशेदपुर स्टील शहर, मदुरई मंदिरों का शहर, मंसूरी पहाड़ों की रानी। तो आपको 1 to 15 लर्न हो गए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ऑल प्लेसेस एंड सुब्रिकेटेड लर्न करने हैं। ओके, गुड बाय।